नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अब पीटी एग्जाम के लिए मात्र 12 घंटे का समय बचा हुआ है और ऐसे समय में आप सभी लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करके ही आप पिछले एक साल की तैयारी का बेहतर प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे एग्जाम हॉल में। क्योंकि आप अगर 2 घंटे में शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन की स्थिति में होंगे तो आपको जो भी आते हुए प्रश्न होंगे उसको बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे और आप ओएमआर सीट में उसको अच्छे तरीके से फिल कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो परीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनको आपसे अपेक्षा है कि आप उन नियमों का अनुपालन करेंगे परीक्षा केंद्र में, ताकि उससे आप आते हुए सभी सवालों को बेहतर ढंग से हल करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएं। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि इस परीक्षा में लगभग 20 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लगभग ऐसे स्टूडेंट की संख्या 20 से 25 हज़ार होगी जो 1 और 2 मार्च से जो है इस चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सावधानियां मैं बताने वाला हूं वो सावधानियां अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इन सावधानियों को इन जो है सतर्कता का जो है इन सावधानियों का पालन करते हुए आप परीक्षा में 1 से 2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में आप अपने आप को 20 से 25 हज़ार के उस स्टूडेंट के दायरे से बाहर कर पाएंगे जो 1 से 2 मार्क्स से इस परीक्षा प्रणाली से बाहर होंगे। तो कुछ संक्षिप्त में ही हम लोग करेंगे ताकि आपका यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पिछले एक समय में आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है और उस मेहनत का जो परिणाम हो आप लोगों के साथ सफलता के रूप में जो है बन करके आए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कल के लिए आपकी जो भी तैयारियां होनी है वो उसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं जो कल के लिए आपको छोड़ना है। जैसे आपको एडमिट कार्ड अगर निकालना है तो वो आज की ही डेट में निकाल लेना है, और वो आपका एग्जाम किट आज की ही डेट में तैयार होना चाहिए। तो आपके जो एडमिट कार्ड और प्लस जो है पेन, ये दोनों सबसे बेसिक चीज है। ब्लैक बॉल पॉइंट का पेन आपको लेना है, ब्लैक पेन ही यूज करना है, और आपको इसमें मोटे पॉइंट का पेन यूज करना है क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है जिसमें आपको काफी समय खर्च करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको इन सभी विषयों पर समय को कम से कम खर्च करना है और ज्यादा से ज्यादा बचा करके मैथमेटिक्स के पेपर के लिए आपको समय बचाना है। इसलिए पेन के लिए आपको मोटे पॉइंट का ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेना है और एडमिट कार्ड, ये दोनों ही सबसे बेसिक चीज है और ये आज की ही तिथि में आपके पास होना चाहिए। कल के लिए आपको कोई काम नहीं छोड़ना है ताकि आपको परीक्षा केंद्र में जाकर के एकदम सावधानी और शांति के साथ परीक्षा देने का मौका मिल सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या चीजें आपको नहीं ले जाना है। एक तो घड़ी वगैरह है, जैसे आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट एग्जाम का है वो घड़ी आपको वहां पर वॉल क्लॉक के रूप में दिया जाता है, जिससे आपको रिस्ट वॉच ले जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन इत्यादि में उसके प्रयोग की संभावना को ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान समय में कंडक्टिंग बॉडी जो है वो इसे जो है मना करती है, तो ये चीजें आपको वहां पे ले नहीं जाना है। और दूसरी बात यह है कि आपको व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, व्हाइटनर का आपको यूज नहीं करना है। अगर आप व्हाइटनर का यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष एक समस्या खड़ी हो सकती है कि उसमें इस आशय से उसको देखा जाए कि कहीं ना कहीं ओएमआर सीट में कुछ मैनिपुलेशन किया गया है और कॉपी आपकी ना चेक की जाए। तो ऐसी स्थिति में व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है, और जब नहीं करना है तो आपको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप इन सभी सावधानियों का पालन करेंगे तो आपको व्हाइटनर यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय बहुत ही दुविधा की स्थिति, संकट की स्थिति होती है जिसमें आपके आते हुए सवाल भी गलत हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको व्हाइटनर नहीं ले जाना है। और कोड जो परीक्षा केंद्र के कोड है वो परीक्षा केंद्र के कोड वहां पर जो है आपको इनविजिलेटर के माध्यम से बताए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा बताए गए कोड का आपको यूज करना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पहला पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट में इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा कि घड़ी और व्हाइटनर का कोई मैटर नहीं, कोड आपको वहां पर बताए जाएंगे। इसलिए सारी चीजों को बहुत ही सावधानी के साथ आपको ध्यान में रखना है। कुछ सहायक चीजें हैं जो आपको ले जाने हैं, जैसे इसमें आपको आधार कार्ड, जो कि वर्तमान समय में सरकार की तरफ से पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र के रूप में इसे माना जाता है, तो आपको आधार कार्ड ले जाना है पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, प्लस इसके जो है इसकी छाया प्रति ले जानी है। हो सकता है कि वहां पर इसको जो है जमा कराया जाए, या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे, प्लस जो है 2 आपको पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने हैं। ये सारी चीजों की तैयारी आपको पहले से ही करना है, ये नहीं है कि हम कल जाकर के रास्ते में बनवा लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप दुविधा में पड़ सकते हैं
हो सकता है कि आपको फोटोशॉप की दुकान न मिले या आपका इंटरनेट जो है डाउन हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए और एडमिट कार्ड आपको कल की डेट में न मिले। तो ये सारी तैयारी आपको प्रत्येक दशा में आज ही की तिथि में करना है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है सहायक के रूप में। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले जो है पहुंच जाएं। एक घंटे पहले अगर आप पहुंचते हैं तो इससे आप जो है वहां के माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सफल होंगे। और जो परीक्षा केंद्र का एक उहापोह की स्थिति होती है, कसमकस की स्थिति होती है, दुविधा की स्थिति होती है, उससे आप अपने आप को बचा पाने में सफल होंगे। और अगर आपका फिर भी लेट हो रहा हो तो आधे घंटे पहले तो केंद्र पर पहुंचना ही पहुंचना है, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और अगर उतने समय पूर्व नहीं पहुंचते हैं तो आपको ये संभावना है कि आप परीक्षा से भी वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप अपना पर्याप्त समय लेकर के निकलिए, क्योंकि आपके एक साल की तैयारी आपके उस दो घंटे में आपके शारीरिक और मानसिक संतुलन और आते हुए सवालों को हल करके आपके प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बेहतर ढंग से तैयारी करनी होगी। इसके बाद जो है आपको नाम है, रोल नंबर है, और इसके साथ साथ जो है अगर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन सीरीज के रहेंगे तो ये सावधानियां अत्यंत ही अपेक्षित हैं कि आपको ये रोल नंबर सीरीज और बुकलेट सीरीज नंबर बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि आपके अगर इस तरीके की गलतियां होती हैं तो निश्चित तौर पर पूरे ही प्रश्न पत्र में आप जो है ऐसी गलती करते हैं जिसे आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। तो इन पॉइंट्स पे जो है आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आपको दो घंटे के दौरान अत्यंत ही सरल और सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ परीक्षा केंद्र में जो बैठना है तो एक घंटे पहले पहुंचना है। नाम, रोल नंबर और आपको जो है बुकलेट सीरीज नंबर बहुत ही सावधानी के साथ भरना है। नाम इत्यादि के संदर्भ में जो एडमिट कार्ड के जो गाइडलाइन है आपको उसी के अनुसार जो है और यथोचित स्थान पर जो भरने होंगे। इसके साथ साथ वहां पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का जो क्रम है वो हमें ध्यान में रखना है कि क्रम जो है आपका हमेशा सरल से कठिन की तरफ होगा। स्टार्टिंग में भी जब हम लोग प्रारंभ किए थे तो एक पीटी एग्जाम के तैयारी के लिए एक स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाया गया था जिसमें भी बहुत ही विस्तृत ढंग से हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक ड्राफ्ट कर रहे हैं इस तैयारी को लेकर के, तो हम इतना जरूर बता देते हैं कि आपको जीएस के प्रश्न पत्र सबसे पहले करने हैं। जीएस करने के बाद जो है आपको हिंदी यानी कि जो भी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अंग्रेजी के क्वेश्चन उसके बाद पूछे जाएंगे, पुनः रीजनिंग के क्वेश्चन करना है और इसके बाद आपको मैथ सबसे लास्ट में करना है। और यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि हर सेक्शन में आपको समय पहले बचाना होगा, बहुत कम समय खर्च करना होगा ताकि आप मैथ के कैलकुलेशन के लिए अपने समय को बचा पाने में सफल हो। ऐसा करके ही आप अपने समय का मैथ में उपयोग करके मैथ से ज़्यादा सवाल हल करके अपने स्कोर को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आपका क्रम जो है वो प्रश्न पत्र में जो है वो जीएस का पहले होगा। अब जीएस में काफी कुछ व्यापक चीजें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स है, साइंस भी कहीं ना कहीं जीएस में ही आ रहा है। उसके बाद आपको जो भाषा में जो है हिंदी कर लेना है और हिंदी कर लेना है, पुनः जो है अंग्रेजी कर लेना है। इसके बाद जो है आपको रीजनिंग कर लेना है, रीजनिंग कर लेना है और तब जाकर के आपको मैथ करना होगा। ये आपका जो है स्ट्रेटजी जो है होना चाहिए। और ऐसे में जो है इस तरीके से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय बचेगा और इन सभी सेक्शन से समय बचा करके आप मैथ पर अपना समय खर्च कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस दौरान है जो लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सवाल करने होंगे। इन सभी विषयों पर कोई स्पष्ट जो है गाइडलाइन नहीं कि कितने क्वेश्चन पर आपके होंगे। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होता है, कठिनाई का स्तर कैसे होता है, अन्य स्टूडेंट के क्या प्रदर्शन होते हैं, इन सभी बातों पर ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिर भी मेरा जो विभिन्न परीक्षाओं को जो है देने का जो अनुमान है उसमें यह है कि आप 80% तक जो है क्वेश्चन को जरूर जो है सही करके आए और ऐसी स्थिति में जो है आप अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। एक बात और दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में जो आपके यूपी टीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं होंगी वो इन्हीं के क्वालिफाई किए गए कैंडिडेट के मार्क्स पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं तभी आपको आने वाले परीक्षाओं में
अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग पदों की भर्तियों के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आपके मार्क्स अगर अच्छे होते हैं तो अच्छे पदों के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करें, केवल इतना ही नहीं कि मैं केवल वहाँ पर पास होकर के हम आएँ। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना है और एक रणनीति स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि आप पूरे प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न करना चाह रहे हैं वो एक ही बार में न कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जीएस में अगर आपका 40 सवाल है या 50 सवाल, मान के चलिए जीएस में 50 सवाल अगर है, तो 50 क्वेश्चन में आपको अगर टारगेट करके चल रहे हैं मुझे 40 करना है, तो आप एक ही जो है बार में 40 क्वेश्चन ना कीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आपको 40 प्रश्न पूरे आ ही रहे हों। यहाँ पर जो है आपको पहले शिफ्ट में जो है 35 या जो है आपको 37 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और 2-3 ऐसे प्रश्न जो आपको लगते हैं कि ये मुझे कुछ आ रहे हैं लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, तो आप उस पर जो है पॉइंट कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, और दूसरे राउंड में आप उन सवालों को हल कीजिए, क्योंकि पहले राउंड में अगर आप हल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय आपका वहां पे खर्च होगा, और हो सकता है कि आप प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान उसमें कोई आपको क्लू ऐसा मिल जाए जिससे आपके पूर्व में जो टिक लगाए हुए क्वेश्चन है उसका उत्तर वहां पे मिलता नजर आए। तो ऐसी स्थिति में आप जो टारगेट अगर 40 से 42 क्वेश्चन का करते हैं तो आप उसको 2 राउंड में, प्रश्न पत्र को हमेशा 2 राउंड में करने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन हर समय में आप उस समय प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगली महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि गोला भरने की स्थिति, गोला भरने की स्थिति या बबल फिल करना है, उस पॉइंट पर भी जो है आपको सावधानी बरतना होगा, क्योंकि प्रश्न में मैथमेटिक्स है इसलिए समय का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। कई बार कई लोगों के अपने अपने स्ट्रेटजी होते हैं, एक विकल्प देख करके पुनः एक जो है क्वेश्चन के बबल फिल किए जाते हैं, लेकिन इसमें मैं अगर सुरक्षित रणनीति की बात करूँ तो आपके लिए सुरक्षित रणनीति में जो है दो जो है क्वेश्चन को जो है लेकर के आप बबल फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं मान करके चलता हूं कि आप किसी समय पर जो है 31 क्वेश्चन नंबर 31 पे हैं, तो आप यहां पर 31 और 32 इन दोनों को जो है लेते हैं, मान करके चलते हैं कि इसमें जो है बी और इसमें जो है सी जो है विकल्प सही है, तो आप ओ एम आर सीट में जब आएंगे तो ओ एम आर सीट में भी आपको यहाँ पे 31 और 32 और 33 इस तरीके से बने होंगे। तो आप जब यहाँ पर 31 और 32 में बी और सी आपने उठा लिया, तो यहाँ पर जो अब आप बबल फिल करते हैं तो आप यहाँ पर 31 का मिलान जरूर कर लीजिए कि यहाँ पर 31 32 तो आपने देखा था बी और सी है, तो हम यहाँ 31 और 32 में बी और सी को जो है गोला करें, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि यहाँ से सीरीज उठा लेते हैं, हम यहाँ पर मिलान नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक भी जो है सीरीज मिस्टेक होता है तो वहाँ पर आपके उस जो है कॉलम के सभी प्रश्न गलत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ से 2-2 सवाल के आप जो है जोड़े में आप उत्तर को उठाएंगे और यहाँ पर गोला भरने के लिए आप जरूर यहाँ के प्रश्न का जो है एक बार मिलान करेंगे। ऐसा करने से आप जो है विभिन्न प्रकार की जो है प्रश्न पत्र में की जाने वाली गलतियों से बचेंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम में जो भी इस तरीके का पेपर हुआ है वहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट मिले जिन्होंने बताया कि गोला भरने में 4 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, और यकीन मानिए कि ऐसे 1 से 2 प्रश्न से जो है परीक्षा से बाहर होने वालों की संख्या 20 से 25 हज़ार होने वाली है। इसलिए आपको इन सभी बिंदुओं का सावधानी के साथ जो पालन करना है ताकि पिछले 1 साल में आपने जो तैयारी किया है उसका जो फल आपको प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि जो इन सावधानियों पर हम लोगों ने चर्चा किया इसका लाभ आपको परीक्षा में मिलने वाला है, और आपके लिए जो भी अभी 10 से 12 घंटे का समय है आप उसका विधिवत ढंग से अच्छे से जो है उपयोग कीजिए और शारीरिक मानसिक रूप से संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए इस पूरी टीम की तरफ से जो है बहुत ढेर सारी जो है शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स के साथ जो है इस परीक्षा को उत्तीर्ण करें। नमस्कार।